भारतीय बाजार में मॉर्टीन, गुड नाइट, ऑल आउट ये तीन ब्रांड ऐसे हैं जो मच्छर भगाने में माहिर है। आज हम इनकी प्रभावशीलता, गंध, हानिकारकता और मूल्य के आधार पर सबसे बेहतर ब्रांड चुनने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल करें। मॉर्टीन ये एक मच्छर भगाने वाली प्रसिद्ध सामग्री है। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में होता है, लेकिन लिक्विड से ज्यादा सॉलिड मॉर्टीन यानी कि ठोस मॉर्टीन सबसे प्रभावी है, लेकिन इससे निकलने वाला धुआं सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। 2011 तक मॉर्टीन मच्छर भगाने वाला नंबर वन ब्रांड था। अब वे ज्यादा लोकप्रिय नहीं रहे, लेकिन अभी भी उतने ही प्रभावी है। गुड नाइट ने 2015 में मॉर्टीन को हरा दिया और भारत में मच्छर भगाने वाला नंबर वन ब्रांड बन गया। 2021 में गुड नाइट सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बन गया, क्योंकि ये अब मच्छर भगाने में बहुत कारगर साबित हुआ है। ऑल आउट भी एक मच्छर भगाने वाला बेहतर ब्रांड है। ये मच्छर तो भगाता है, लेकिन गुड नाइट की तरह है असरदार नहीं, लेकिन इसकी सुगंध अच्छी होती है। साथ ही ये डबल पावर के साथ आता है। अब एक एक करके मॉर्टीन, गुड नाइट और ऑल आउट की तुलना करते हैं। प्रभावशीलता की बात करें तो मॉर्टीन ये गुड नाइट और ऑल आउट की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। कभी कभी ये मच्छर को मार भी देता है। तो प्रभावशीलता के मामले में मेरे हिसाब से सबसे पहले मॉर्टीन, बाद में गुड नाइट और बाद में ऑल आउट। गंध की बात करें तो गुड नाइट और ऑल आउट दोनों की सुगंध अच्छी है, लेकिन माय ओपिनियन मुझे गुड नाइट की सुगंध अच्छी लगती है। आपको सुगंध अच्छी चाहिए तो दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन आपको सुगंध से कोई लेना देना नहीं है तो आप मॉर्टीन चुन सकते हैं। हानिकारकता की बात करें तो सभी में केमिकल इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ज्यादा हानिकारक नहीं होते। आप इनका इस्तेमाल बिना झिझक के कर सकते हैं, लेकिन मॉर्टीन अधिक शक्तिशाली रसायनों का उपयोग करता है, तो दोनों की तुलना में मॉर्टीन सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। मेरे हिसाब से गुड नाइट सभी की तुलना में कम हानिकारक है, क्योंकि इनमें कम संकेंद्रित रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्राइस की बात करें तो सभी की कीमत लगभग बराबर है, लेकिन गुड नाइट अन्य दो की तुलना में अधिक महंगा है। अब आपके सामने तीनों की पूरी जानकारी है, इससे आप खुद भी चुन सकते हैं कि तीनों में बेहतर कौन है। तो मिलते हैं एक ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।